hello students today i'm going to start a new chapter of class 11th history chapter 6 the three order part 1 please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates so let's start with the chapter 3 chapter 6 three orders so in this chapter what we are going to learn about the social economic and political changes that have occurred in the western europe between 9th and 16th century तो हम ये देखेंगे कि कैसे नाइन्थ और सिक्सटीन सेंचुरी में यूरोप में परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन हर तरीके से था चाहे वो सामाजिक हो आर्थिक हो या राजनैतिक हो तो रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तो जब हम देखते हैं कि पूर्वी और मध्य यूरोप में अनेक जर्मन मूल के समूह जैसे जो इटली में आ गए थे स्पेन और फ्रांस के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था संगठन में राजनैतिक हुए भूमि की रक्षा के लिए तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए चाहे वह सामाजिक हो राजनैतिक हो या आर्थिक हो तो अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं कि जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे या जिनके पास कंट्रोल पावर थी लैंड की और कैसे ये सब एक तरीके से एकजुट हो के अपनी विशेषताओं के समाधान पे आगे अपनी परंपराएं लेके जा रहे थे तो जब हम देखते हैं कि फोर्थ सेंचुरी में जब रोमन साम्राज्य एक राजक्रिय धर्म था तो रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा वह सो धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में भी फैला गया तो हम ये भी देख सकते हैं कि चर्च भी यूरोप में एक मध्य एक तरीके से राजनैतिक शक्ति समय बन गए थे तो चर्च यहाँ पर लिखा है वर बिकेम अ मेजर लैंड होल्डर एंड पॉलिटिकल पावर इन यूरोप सो द थ्री ऑर्डर्स ये तीन वर्ग जो हैं ये मेन फोकस करेंगे थ्री सोशल कैटेगरीज पे जो कि पहले थे क्रिश्चियन प्रीस्ट लैंड लैंड ओनिंग नोबल्स एंड पीजेंट्स तो जिसको हम कह सकते हैं इनका मेन बिंदु यही रहेगा कि जो पादरी थे ईसाइयों के या हम कह सकते लैंड ओनर जिनके पास भूमि थी या हम कह सकते हैं कृषि क्षेत्र के लोग जो पीजेंट फार्मर ओल्ड फार्मर थे तो कैसे इनका रिलेशनशिप था कैसे ये आगे बढ़े सदियों तक और यूरोप के इतिहास में इनका क्या महत्व था तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे तो अगर बात करें कि ओवर लास्ट हंड्रेड ईयर पिछले सौ सालों में अगर हम देखें यूरोपियन ए, हिस्टोरियंस मतलब यूरोपियन इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों में इतिहास यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास का विस्तृत कार्य किया है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना भी चाहे वो एक पॉसिबिलिटी थी मेडिवल पीरियड की या एक मटेरियल जो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स में होता है या लैंड ओनरशिप थी प्राइजेस थी लीगल केसेस थे जिनको हम कह सकते हैं एक तरीके के कानूनी मुद्दे और बहुत बड़ी अच्छी सा, आ, सामग्री दस्तावेजों के रूप में जो थी तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम उदाहरण के लिए भी ले सकते हैं कि चर्च में मिलने वाले जन्म मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों की मदद से ही परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सकता था तो चर्चा के प्रति हमें और भी अभिलेख मिलते हैं और जब हिस्टोरियंस इसके इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर था फैमिली का कौन कौन से लोग कौन कौन से परिवार के लोग चर्च से जुड़े हुए थे उस समय किस घर में कितने बच्चे थे तो ये सारी चीज़ें जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ये यानी तो हमें सूचना इसमें पता चलती है कि क्या क्या वहाँ उस समय सॉन्ग्स गाए जाते थे गीत या स्टोरीज जिसको हम कहानी कहते हैं या त्योहारों के बारे में कौन कौन से सेंस ऑफ फेस्टिवल्स से यहाँ बनाए जाते थे और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं सामुदायिक गतिविधियों के बारे में हमें ज्ञात होना तो ये भी ज़रूरी था उस समय के बारे में उस समय के लोगों के बारे में जानना तो जैसे लास्ट थर्ड लाइन में लिखा ऑल दिस कैन बी यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ एंड चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो इन सभी का उपयोग इतिहासकारी द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में दीर्घकालीन एवं हम कह सकते अल्पकालीन जैसे विद्रोह या परिवर्तनों को हम इसमें समझ सकते हैं तो अगर हम जाने तो जितने भी स्कॉलर्स थे फ्रांस के जो वर्क कर रहे थे फेडरलिज़म में तो सबसे अर्लीस्ट इनके थे ब्लॉच तो इनका नाम था मार्क ब्लॉच तो ये मार्क ब्लॉच थे एटीन एटी सिक्स से 1944 फोर तक तो ही वाज अगर हम कहें स्कॉलर विद्वान थे Who had argued that history consisted of much more than just political history, international relations, and the life of a great people? तो इनका कहना ये था कि इतिहास या हम कई विषय वस्तु या राजनैतिक इतिहास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और महान व्यक्तियों की जीवियों पे नहीं बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा अधिक था तो अगर हम माने इसके रिलेशंस की इम्पोर्टेंस कैसे जोग्राफ़ी या भूगोल का महत्व मानव के द्वारा या हिस्ट्री जो कि अंडरस्टूड होनी चाहिए थी ज़रूरी थी लोगों का बिहेवियर व्यवहार और उनकी रूह समझी जा सकती थी हिस्ट्री के समूह से तो इनका ब्लॉक का ये था कि फेडरल सोसाइटी में इन्होंने यूरोपियन पर्टिकुलरली जो फ्रेंच थे तो उन सोसाइटी में नाइन हंड्रेड से लेके थर्टीन हंड्रेड तक ये रिमार्केबल डिस्क्रिप्शन दिया अपनी सोशल डिटेल्स हेरेक्रीज लैंड मैनेजमेंट पॉपुलर कल्चर ऑफ द पीरियड तो इन्होंने बहुत बड़ा समाज के लिए काम करा ये फ्रांसीसी थे तो इनका समाज में संबंध था कि कैसी श्रेणियाँ होनी चाहिए कैसे भूमि प्रतिबंधन होना चाहिए कैसे संस्कृति का असाधारण विवरण होना चाहिए तो अगर हम देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ द्वितीय विश्व युद्ध अगर हम बोलें तो इनका इस समय इनके नज़र में कैरियर विद अ कट शॉर्ट ऑफ टिपिकल एज अ शॉर्ट बाय द नासीज इन द सेकेंड वर्ल्ड वार तो ये बोलते हैं कि गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किया गया शोध वो भी अचानक ख़त्म हो गया था तो इनकी ऐसे माना जाता है कि हत्या कर दी गई थी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इसके आगे हम देखते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू फेडरलिज्म तो आखिर ये फेडरलिज्म वर्ड है क्या तो अगर हम मेडिवल एरा में भी जाते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री हम फिफ्थ से लेके कर फिफ्टीन सेंचुरी ही पढ़ते हैं तो अगर हम देखते कि द टर्म फेडरलिज्म हैज़ बीन यूज बाय द हिस्टोरियन टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक लीगल पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड इन यूरोप इन द मेडिवल एरा डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड फेड एंड द चम मेडिवल रिफर्स टू द फिफ्थ एंड फिफ्टीन सेंचुरी तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इतिहासकारों ने फेडरलिज़म शब्द का प्रयोग मेडिवल एरियर जो कि हम कहते हैं मध्यकालीन फिफ्थ से फिफ्टीन सेंचुरी तक क्यों लिया क्योंकि जितने भी राजनैतिक और सामाजिक संबंध थे उसका विवरण करने के लिए यहाँ पर इस शब्द का वर्ड लेना बहुत ज़रूरी था और ये एक तरीके से जर्मन शब्द था फेड से बना था और इसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा होता है और यह एक ऐसे समाज को अंकित करता है जो मध्य फ्रांस के बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ ये है पूरा मैप ये आप देख सकते हैं अपने बुक के मैप में कि ये ऐसा वेस्टर्न यूरोप था जहाँ पर जर्मनी इटली फ्रांस इंग्लैंड लंदन पोर्चुगल इस तरीके से ये पूरा डिवीजन था यहाँ पर तो अगर हम जानते हैं कि फेडरलिज्म क्या है एक भूमि का टुकड़ा है पीस ऑफ लैंड तो इट रिफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मेडिवल फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड द सर्दरन इटली इन एन इकोनॉमिक सेंस फेडरलिज्म रिफर्स टू द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द पीस एंड एंड लेटर द ओन लैंड एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड तो अगर हम माने कि आखिर फेडरलिज्म क्या था तो ये एक तरीके का समाजवाद या एक तरीके का कृषि उत्पादन को एक तरीके से लॉर्ड और पीजेंट्स का रिलेशनशिप था कि पीजेंट्स कैसे चीज़ों को उगाएं और अपने लॉर्ड को दें तो खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे ये पीजेंट्स और लॉर्ड ये लोग अपने लॉर्ड के लिए श्रम सेवा या हम कह सकते हैं वर्क करते थे लॉर्ड के लिए लेबर सर्विसेज देते थे और एक तरीके से बदले में उन्हें सैनिकों से सुरक्षा मिलती थी तो इसके साथ साथ अगर हम माने कि पीजेंट्स एक तरीके के वर्कर्स थे और कृषि कार्यों पर इनका एक न्यायिक अधिकार भी था इसलिए ये अपने जीवन में आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनैतिक पहलू पर भी अधिकार करते थे तो ऑल दो इट्स रूट हैव बीन विद द प्रैक्टिस दैट एग्जिस्ट इन द रोमन एम्पायर ड्यूरिंग द एज ऑफ फ्रेंच किंग थैरमेलिन सेवन फोर्टी टू एट फोर्टीन फेडरलिजम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड द वे ऑफ लाइफ इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप एंड मे बी सेट इमर्ज लेटर इन द इलेवन सेंचुरी तो अगर हम जानते हैं तो रोमन साम्राज्य में राजा थे जिनका नाम था शेरमेने ये सेवन फोर्टी टू से एट फोर्टीन के काल पे थे तो कहा जाता है कि जीवन में अनिश्चित तरीके के रूप में इनका समन्थवाद या उत्पत्ति यूरोप में अनेक भागों में ग्यारहवीं सदी में उत्तरी में हुई थी तो अब आगे हम देखते हैं फ्रांस एंड इंग्लैंड का रिलेशन तो ये मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करूँगी जब तक के लिए थैंक